चिड़िया घर आ चुके हैं। ये रहे देखकर ये अंदर है मुनीशा और वो खाई जा रहे हैं। वो दो दो चाहिए, एक भी खा रहा फिर आ गया। चीज दिखाऊं मैं आपको, इस कैच पे लिखा हुआ है कि ये पिंजराओं में डर गई बिल्ली आई। इस कैच पे लिखा हुआ है ये पिंजरा खाली है, बाकी सारे के सारे पिंजरे खाली हैं, बस कुछ में ही जानवर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं इसलिए रेडी हुई हूँ कि आज हम जा रहे हैं मेरी फेवरेट, और जो हम बचपन में हमारे जो फेवरेट प्लेस होती थी वो होती थी चिड़ियाघर, मीन्स के जू। सो वीडियो बनाते बनाते इरहा उठ चुकी थी, ये रोने लग गई थी, और एज यूजुअल रोने के बाद इन्होंने फोटो वगैरह कर ली, इनको वॉश वगैरह करवाया है इनको। मैंने अब रेडी करने वाली हूँ, अब इनको बीपी अरीश आने वाला है, आज मुझे अरीश पिक करेगा। हाँ क्योंकि मेहरान तो ऑफिस में है, तो अरीश मुझे पिक करने आने वाला है आधे घंटे में, और आधे घंटे से पहले मुझे रेडी होना है, क्योंकि अगर मैं रेडी ना मिली उसको तो उसका पारा हो जाना है हाई। आप लोगों को पता है कि अगर भाई एक टाइम दें और उसको रेडी ना हुआ जाए तो किस तरीके से भाई गुस्सा करने लगते हैं कि मैंने कहा था कि एक टाइम पर रेडी हो जाना। खैर तो मैं तो रेडी हो गई, बस मुझे कपड़े चेंज करने हैं, और बस अभी इरहा को मैंने रेडी करना है, इनको दवाएँ पिलानी है, मुझे इनकी तबीयत सही नहीं है तो इनको मैं इनकी मेडिसिन दूँगी, दैन उसके बाद इनको मैं रेडी कर दूँगी। हाँ मैं ये कह रही थी कि जो चिड़ियाघर जो है एक बचपन की जो एक खूबसूरत सी याद है, हाथी के ऊपर बैठना और मतलब सारे एनिमल्स वगैरह को देखना, एक मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, मतलब क्रेजी होता वो है। अब कुछ लोग बोलेंगे सो चीप, सो डर्टी, वहाँ पर इतनी स्मेल आती है, ये होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी मुझे पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जाना है। इवन मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अम्मी कहीं जा रही हूँ। बस आई एम सो एक्साइटेड टू गो, बस अब मैं रेडी होने वाली हूँ। और हाँ मैं ये बात कर रही थी कि जो ना, हाँ कुछ लोग बोलेंगे सो चीप, सो डर्टी, सो ये वगैरह फलाने मांगा, तो आप लोग भी अगर अपने बचपन को याद करें तो एक तो चिड़ियाघर जो है एक मेन प्लेस होता है आपका, एक घूमने फिरने का एक जो वाहिर चीज़ होती है, जू जाना है, गार्डन जाना है, वो चीज़ अलग ही होती है। तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं, रयान वगैरह है, नीलाबाजी है, हीरा है, नहीं हीरा पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं हुई। सो अब हम जा रहे हैं, बस मैं रेडी हो गई हूँ, अभी इसको रेडी करूँगी और कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, देन गो। अब मैं घर में आ चुकी हूँ और अब मैं कौन है पीछे, अच्छा मैं यूँ शीशे में मैं कह रही हूँ कौन पीछे। अब हम अम्मी बना रही हैं आलू के पराठे, हमारे फेवरेट हैं। अब हम अम्मी बना रही गरम गरम, हम आलू के पराठे खाएंगे। वैसे मैं अभी पहले नाश्ता करूँगी, क्योंकि आज मैं उठी तो मैंने जल्दी जल्दी से इरहा को तैयार वगैरह किया, उसके बाद मैं नाश्ता ही करना भूल गई हूँ। तो अम्मी भी बोल रही थी जल्दी से नाश्ता कर लो रुबा, लेकिन मैंने बोला अम्मी अब अम्मी कहीं जाके कर लूँगी। ये देखिए मेरी अम्मी के हाथ के गरम गरम आलू के पराठे, ये इतने सारे अम्मी बना चुकी हैं और अभी अम्मी और बना रही हैं। अम्मी कितने बना रही हैं, लेके जाने के चिड़ियाघर? हाँ चिड़ियाघर लेके जाने के लिए हम बना रहे हैं आलू के पराठे, हम नहीं अम्मी बना रही हैं आलू के पराठे बहुत ही मज़ेदार से। और यहाँ मेरा हो रही है चाय गरम, मैं अब नाश्ता करूँगी, उसके बाद खाऊँगी आलू के पराठे। चाय पागल हो जाने के लिए, सब नीचे उतर गए हैं और मैं अपनी वीडियो में लगी हूँ, तो पापा सब नीचे उतर गए। मनीषा चल बेटा चल। तो हम चिड़ियाघर आ चुके हैं, ये रहे देखकर। तो अभी हम लोग ये लोग बचपन में बहुत दफा आए हैं, लेकिन हम बहुत आए, बहुत बहुत आए ये लोग, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी दफा आए हैं, बहुत कम दफा आए हैं। इन द गार्डन इरा फर्स्ट टाइम आई है चिड़ियाघर। हाँ हमारी निदाबाजी को नानी ले गई थी, हमारे टाइम पे नानी नहीं थी, और इरा को उनकी नानी अम्मी लेके आई है, और मुझे भी, मुझे और सुहान को भी हमारी नानी अम्मी लेके आई है, नानी अम्मी।
नाना मैं तो बचपन में बहुत आई हूँ अपनी नानी के साथ। ऐसे इन्हीं को घुमाया है, नानी ने मुझे बहुत घुमाया है, बहुत प्यारी नानी। इनकी नानी इनको सुबह सुबह लेके आ जाती थी इधर। बिल्कुल छोटे बच्चे का टाइम मेरे टाइम पे ये देखिए थैला इतना बड़ा थैला होता है उसकी बात ही अलग है। लेकिन मैं बहुत जलती हूँ, ये जल रही है उससे जल रही है। नानी ने मुझे इतना घुमाया है तो भाई यहाँ पे तो सारे झूले वगैरह सब ही हट गए, सब खत्म झूले वगैरह। झूले वगैरह अब हम झूलेंगे क्या? अब हम क्या झूलेंगे? और निता बाजी क्या झूलेंगे? इनको तो झूले झूलने का इतना ज्यादा शौक है, आते ही फौरन झूले पे चढ़ जाती है। पागल हो गई है ये, पागल है। मम्मी कहाँ गए झूले? निता बाजी को झूले झूलने का कितना ज्यादा शौक है। और ये जो वो है कश्ती वाला जो है और एरोप्लेन वाला खड़े हो के झूलती है, पानी वाली जो गंदे कीचड़ वाली पानी वाली कश्ती में बैठती है ये। अम्मी झूले ही खत्म कर दिए, देखो तो पूरा ही उजाड़ दिया यहाँ का। यहाँ तो हाथी भी नहीं है, हाथी भी पता नहीं कहाँ गया, अंदर है। हम हाथी देखने जा रहे हैं। एलिफेंट आए, अम्मी आए। हमारी अम्मी को हर चीज से हद से ज्यादा स्मेल आती है, कहीं पे भी जाएं कुछ भी करें बहुत ज्यादा मम्मी को स्मेल आती है हर चीज। ओह माय गॉड 60 रुपए कितने हुए? 60 रुपए। रयान भाई बहुत बड़े हैं, रयान दे रहे हैं। ये रहा एलिफेंट, आओ आगे आओ। ये टिकट इंतजाम या क्या खिलाते? ये हाथी है अपनी है। गिला शेप गंदा खान कहाँ चला गया हाथी? ये रहा, ये अंदर है मुनीशा। अब रुबा एलिफेंट को भी खिला रही है पापड़। रुको रुको रुबा की बारी आई है। और वो खा ही जा रहे, वो दो दो चाहिए, एक भी खा रहा फिर आ गया। अभी मैंने एक जंग लड़ी है इरहा को खिलाने की। ऊपर से जब खिलाने बैठे तो धूप उसी टाइम पे निकल रही थी, सारी धूप मुंह पे ही पड़े जा रही थी। है इरहा है ना। अभी हम गए क्रोकोडाइल देखने के लिए और वहाँ पे एक ही क्रोकोडाइल जो अधमरा ही लग रहा था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो है या नहीं। अम्मी आपने क्रोकोडाइल देखा? बोर्डिंग है ही। कितने सारे क्रोकोडाइल थे उसमें? कटा वो धूम कटा, धूम कटा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बाकी तो तू मोड़ी हुई थी? नहीं अम्मी कटी हुई थी, मोड़ी हुई थी। मुझे लग रहा था बाकी मुड़ी हुई, पहले कटी हुई थी वो लग रहा था, लेकिन धूम मोड़ी हुई थी। एक ही क्रोकोडाइल वो भी इतनी गंदी जगह रखा हुआ था, पता नहीं ख्याल नहीं रखते ये लोग। तो यहाँ इधर आ जाओ, उस साइड पे दिखाओगे तो कैसे आएगा? बाजी आगे से हटाओ। एक मिनट, आप अपनी तरफ बुलाते रहोगे तो मैं इधर नहीं देखूंगा। फोटो शूट करा रहे हैं। अच्छी आ गई। ओहो मुंह कैसे बना लिया? ये जो आप देख रहे हैं ना, यही चीज मेरी शर्ट के प्रिंट पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। पिंक है वहाँ पे, ब्लैक ब्लैक वाले यहाँ पिंक है, उधर ब्लैक वाला है ना, वो तो सेम है। ब्लैक वाला तो बिल्कुल सेम है, लकड़ी की तरह पतली पतली बाकी। को मार रहे हैं तो क्वैक 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 पॉपकॉर्न। ये जो बत्तख है हमें याद है लास्ट टाइम पे सोनू कितना रोया था बत्तख जी। ऐसा ये चीज बड़ी प्यारी लगती है मुझे। हाँ हम यहाँ पे तस्वीरें देखने के किस तरीके की पिक्चर्स खींची हैं। सेंटर वाली अच्छी लग रही है। हाँ सेंटर भाई मुझे भी ना इरहा की सारी पिक्चर्स दिखा दे पहले। अब हम आलू के पराठे खाने बैठे हैं भाई, सबको बहुत ज्यादा भूख लग रही है।
और ये काली बिल्ली आ चुकी है हमारे पराठे खाने के लिए। ये दही भी हम लेकर आए क्योंकि दही के बगैर आलू के पराठों का मजा ही नहीं है, और चटनी के बगैर। बाजी क्या है, जोर से बोलिएगा। चटनी मिलेगी। अब हम खाएंगे आलू के पराठे, और अभी हमने फोटो भी खिंचवा ली है। फोटो खिंचवाई है हमने इरहा की, फोटो खिंचवाई है, तस्वीर खिंचवाई है हमने इरहा की और रयाना धान की। ये रयाना धान की फोटो है, इरहा की दिखाना बाजी। इरहा की इसके अंदर ये अभी मैं आपको इरहा की भी फोटो दिखाती हूँ पिक्चर। ये देखें, ये इरहा की अच्छी खिंची है ना। और ये रियल, मैंने ये इसलिए खिंचवाई है क्योंकि फर्स्ट टाइम चिड़ियाघर आई हैं, तो एक यादगार होती है कि भाई ये हम फर्स्ट टाइम हीरा को चिड़ियाघर लेके आए थे। शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, अब हम जानवर देखने जा रहे हैं। आलू के पराठे खाने में मैं सारा ही टाइम निकाल दिया। चलो बाजी उठो, अम्मी निकाल रहे ना इसे मुँह से। बच्चे बारिश वाला खेल रहे हैं, हमारा बच्चे चारा खेल रहे हैं। ये ऐसे ही मचलती है, संभलने में नहीं आती है। अब हम जानवर देखने जा रहे हैं भाई, चलिए जल्दी से चलो। आप उठे, हम चादर उठाएंगे। हम देखने जा रहे हैं रीच। अरे मौसम भी एकदम प्यारा सा हो गया है, अच्छा सा व्यू आ रहा है। जल्दी जल्दी आ जाओ, हम शेर वगैरह देखने जा रहे हैं। पता नहीं कैज में अब होगा या नहीं होगा, ये ज़्यादातर तो अब कराची के जो ज़ू है वहाँ पे जानवर खाली ही हैं, होते ही नहीं है पिंजरों में। ये देखें, खाने पीने को देते नहीं है इन लोगों को, ये किस तरीके से लेटे हुए हैं जैसे इनको कुछ खाने को ही नहीं दिया। हद होती है, यहाँ के इंतजामिया बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मैं तो साफ बोलूँगी। रुहान को गुस्सा आ रहा है, इनको देखो इनका चीखना। न्यूज में आते हैं ना वाइट शेयर आए तो हर कोई बोल रहा, मैंने कहा अंदर किसी को कैसे पता हम चिड़ियाघर गए गए भाई, उसमें न्यूज में आया था। अम्मी सो रहे हैं या क्या? सो रहे हैं। हाँ बहुत ही प्यारे ये फ्लेमिंगो हैं, और वाइट और पिंक कलर के हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। खैर शेर तो अभी हमें एक ही दिखा है, वाइट लॉइन। आगे अच्छा, ये जो ग्रीनरी है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही खूबसूरती आती है इन सब चीज़ों से, ऐसा लगता है बस बहुत ही सुकून। अच्छा दिन में ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है, और शाम होते ही ऐसा खौफनाक सा मंज़र पेश आता है सामने, जैसे पता नहीं कितना डरावना सा हो। मंकी बनमाना था ये, अम्मी केले लेकर ही आ जाती हैं बनमाना को खिलाने के लिए। ये लो केला, ये लो केला, ले लो किलो। बाजी उसकी आवाज़ कैसी आती है मुझे कि केला ले लो। ये म्यूजियम है कराची चिड़ियाघर का, जानवरों का म्यूजियम, ये सब देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब उनमें जान नहीं है, सारी नकली रखी हुई है। अच्छा बाकी सारे तो कैजिस जो हैं वो खाली हैं, ना बंगाल टाइगर है ना कुछ है, बस एक बनमाना से एक टाइगर उदास था बैठा हुआ था बेचारा पिंजरे में कैद, क्या करे वो। हो बाजी मंकी के बच्चे तो प्यारे लग रहे हैं, ऊपर भी चढ़े तीन तीन चढ़े हुए, चार चार देखो जरा पानी दे उसको भी। अम्मी बहुत ही स्मेल आ रही है, अम्मी के तो उदास बैठे हैं, शक्लें तो देखो जरा जा रहे इधर उधर, गंदे कितने हो रहे हैं, पानी डालना भी बहुत गंदा हो रहा है। मुनी शक्ल नहलाएगी इन सबको, डालेंगे अम्मी। वो नाक पोंछ रहे,
स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे। बाजी क्या है? लेमा बाजी यहाँ पे भी तो होते हैं तोते, पामा के तोते, पनामा। नजर भी नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहा भाई कुछ भी, हम आपको दिखा नहीं सकते। चीज दिखाऊं मैं आपको, इस कैच पे लिखा हुआ है कि ये पिंजरा, वो मैं डर गई दिल्ली आई, इस कैच पे लिखा हुआ है ये पिंजरा खाली है, बाकी सारे के सारे पिंजरे खाली हैं, बस कुछ में ही जानवर हैं, और इस पिंजरे पे लिखा है ये पिंजरा खाली है। उल्लू बना रहे हैं हम सबको, सारे मिलकर हमको पाव बना रहे हैं, सफेद मोर एकदम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। बाजी अंदर बिल्ली भी है, हाँ बिल्ली क्या कर रही है अंदर? जाए निकलेगी कहाँ से, यहाँ पे बिल्ली फंस गई है। नाजीन इधर बाजी की हेल्प कर दे प्लीज, मैं घुस जाऊँ फिर। अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा कुछ भी भाई, नहीं देख रहा कुछ। ये मुर्गा बना हुआ है और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है, पता नहीं कौन सी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे इसकी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अम्मी ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, पाकिस्तान को दिया है पाकिस्तान की। काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है और खौफनाक खौफनाक सा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम मुनीषा की फरमाइश पे जा रहे हैं रीच देखने के लिए, रीच और भालू, रीच और भालू देखने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ ये वाला मंजर भी तो, एक ये वाला जो पार्क है अंदर, यहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है, ये चीज़ भी बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी चीज़ है ये भी। और अंदर जाने का पता नहीं क्या टिकट है क्या है मुझे नहीं पता, वैसे यहाँ पे अलाउ भी नहीं करते हैं जाना। खूबसूरत सी जगह है, कुछ भी कह लो है तो खूबसूरत जगह। कदम बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ रहे हैं भालू देखने जाने के लिए। क्या वो यहाँ पे बैठ गए? अम्मी मुझे भी बड़ी प्यास लग रही है, सच्ची बता रही हूँ। रीच जो हम ऊपर चढ़ के श्रेणी पर चढ़ के देखने जाते थे वहाँ का हिस्सा खत्म हो गया, अब ये सामने पिंजरे में आ गया, हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। बाजी यहाँ पे सामने आ गए, रीच सामने ही था, वो हिस्सा खत्म हो गया ऊपर चढ़ के जाने वाला, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। अंधेरा हो गया है, कहाँ है? हाँ हाँ आ रही है ना मम्मी, यहाँ पे पहले शेर होता था। कहाँ है रीच? मुनीषा आपको दिख रहा है बीच? दिख ही नहीं रहा रीच तो, पता नहीं कहाँ है, दिख ही नहीं रहा। रूपा रीच ढूंढ रही है ऊपर चढ़ के, लेकिन रीच नजर नहीं आ रहा, अंदर घुसा होगा कहीं। भाई ऊपर चढ़ के रीच को ढूंढ रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमें बेंच मिल गई बैठने के लिए, और मैंने मशवरा दिया कि अगर दो तीन बंदे यहाँ से उठ के भी चले जाएं तो एक बंदा लेट जाए, तो मैंने मशवरा दिया कि एक बंदा लेट जाए लेकिन उठ के ना जाए, क्योंकि यहाँ पे बेंच मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है बैठने की जगह, क्योंकि सबको बैठना ही चाहिए होता है, बच्चे झूल रहे सबको बैठना ही चाहिए होता है। हमें तो मिल गई है बेंच मिल जाए, और यहाँ पे हमें अपने
हमें फैंस भी मिले हैं, उन्होंने हमें तस्वीर वगैरह भी खिंचवाइए। बहुत सारा शुक्रिया आपका इतना प्यार देने का। आप लोग इतने अच्छे से आके मिलते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, और इतना प्यार देते हैं तो वो भी उस बात का बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है और इरहा भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो अब हम घर